प्रदेश में चल रही पेयजल संकट की आग ज्वाली में भी पहुंच गई है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनेई गांव में स्थित नलकूप के पानी को लेकर गांववासी और आईपीएच विभाग एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। बनेई नलकूप का पानी दूसरे गांव में देने के विरोध में आज सैकड़ों लोगों ने ट्यूबवेल के आगे धरना देकर अपना रोष व्यक्त किया। बनेई गांव में कुछ अरसा पूर्व एक नलकूप का निर्माण किया गया था। इस नलकूप के पानी का वितरण बनेई गांव में होना था, लेकिन आईपीएच विभाग इस नलकूप के पानी को 28 इंच की पाइप डालकर इसका वितरण दूसरे गाँव को देने का प्रयास कर रहा है। गाँववासी जिसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लोगों के विरोध को देखते हुए आज 4 दिन बाद भी विभाग पाइपें बिछाने में सफल नहीं हुआ। नगर पंचायत की चेयरमैन पुष्पा चौधरी ने भी आंदोलन कर रहे लोगों का समर्थन किया है और कहा है कि वैसे भी नगर पंचायत में पेयजल की भारी किल्लत चल रही है और अगर ऐसा ही होता रहा तो बनेई के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पेयजल विभाग ने जबरदस्ती इस ट्यूबवेल का पानी दूसरे गाँव को दिया तो नगर पंचायत इस मामले में हाईकोर्ट में कदम उठाने पर विवश हो जाएगी। वहीं बनेई गाँव के नगर पार्षद जगपाल सिंह ने कहा कि 15 साल पहले इस गांव के ट्यूबवेल के लिए गांव के लोगों ने ही जमीन दी थी, लेकिन अभी 1 साल पहले ही इसे चालू किया गया है तो इसका पानी दूसरे गांव में देने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसे सहन नहीं किया जाएगा। नगर पंचायत के लोग पानी पीने की भारी भरकम बिल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पंचायत ज्वाली में जो लब नहीं है वार्ड नंबर 1 वहाँ पे जो ट्यूबवेल का पानी है उसको जो है वो 500 मीटर की दूरी पर 6-7 घरों के लिए जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं। बट मैं पूछना चाहती हूँ डिपार्टमेंट से कि नगर पंचायत का जो पानी है, अगर नगर पंचायत में आपका पूरा नहीं हो रहा है तो आपको क्या राइट है कि आप उस पानी को बाकी घरों जो गांव है पंचायत नगर पंचायत के एरिए से बाहर जो पंचायत हैं उसको आप इस पानी की सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको राइट क्या है कि आप उस पानी को उधर सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वार्ड नंबर हमारे 7 में 4 में 8 में और 5 में ऑलरेडी जो है वो नगर पंचायत के एरिया है, ये वहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी चली हुई है। कहते हैं कि हम अपने ट्यूबवेल का पानी बाहर की पंचायत को नहीं देना चाहते, क्योंकि पहले से भी 2 पाइपलाइनें जो है इस इन 5-6 घरों के लिए पड़ चुकी हैं, लेकिन इनको फिर भी पानी नहीं पहुँचता। वो हमारा मतलब हमारी दिक्कत नहीं है, पहले हमारे मतलब पानी अच्छा खासा आता था हमारे घरों में, लेकिन जब से वो पाइपलाइनें डली हैं तब से हमारे घरों में पानी नहीं आता, खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। और ये जबरदस्ती अब देखिए 2.5 इंच की पाइपलाइन फिर से डाल रहे हैं तो हमारे नलकों में बिल्कुल ही पानी नहीं आएगा, इसलिए हम यही चाहते हैं कि ये पाइपलाइन ना डली जाए। और हम लोग इसका काफ़ी 1.5-2 महीने से विरोध कर रहे हैं कि इस ट्यूबवेल का पानी जो है वो बनेई या किसी भी नगर पंचायत एरिए में दिया जाना चाहिए। ये ट्यूबवेल पिछले 15 सालों से खराब चला हुआ था, 1 साल पहले इस ट्यूबवेल को ठीक करवाया गया है, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने इसमें मोटर डलवाई है जो कि 1 साल से चली नहीं है, जिसके लिए सीधा सीधा जो है वो डिपार्टमेंट दोषी है, ना कि गांव के लोग दोषी हैं। दूसरी बात यह है जिस गांव को ये लोग पानी भेज रहे हैं वहां पे ऑलरेडी ही 3 जगहों से पानी जा रहा है, जो 50 से 60 घर हैं उनमें प्रॉपर पानी सभी में पहुंच रहा है। मैंने तो कल एक्शन साहब और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब को ही बोला कि आप मैं आपके साथ चलता हूँ, हम देखते हैं कि किन घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है और क्यों नहीं पहुँच रहा है। अगर नहीं पहुँच रहा है डायरेक्ट पानी देने के सिवाय आप कोई बाईपास निकालिए जिससे कि सरकार का भी खर्चा बचे, लोगों को भी परेशानी ना उठानी पड़े और बाकी लोगों की दिक्कत भी हल हो। ऑलरेडी हमारे नगर पंचायत से 2 इंच का पाइप और 1.25 इंच का पाइप जो है वो ट्यूकरी गांव को जो है पलौड़ा गांव को जो है वो पहले से ही जा रहा है पानी यहाँ से। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उनको पानी नहीं दिया हुआ है, हम लोगों ने ही उनको पानी दिया हुआ है। 1 पाइपलाइन जो है 3 पाइपलाइनें जाती हैं, 1 उनके अपने गाँव से आती हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उस पाइपलाइन को वो लोग बड़ा करें जो 1.25 इंच या 1.25 इंच या 1 इंच की है उसको बड़ा करें, वहाँ से पानी का हल निकालें। हमारी नगर पंचायत एरिया में बसंतपुर है, ज्वाली है, कैरियाँ हैं, बहुत से ऐसे एरिए हैं जहाँ पे जो पानी की आपूर्ति है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। लोग भारी भरकम बिल जो है वो दे रहे हैं डिपार्टमेंट को, पर डिपार्टमेंट जो है वो मूक दर्शक बन के देख रहा है कि जब तक लोग एजिटेशन नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, हम लोगों को पानी नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब तक लोगों का जागना जरूरी नहीं है, डिपार्टमेंट को भी जागना चाहिए कि कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो मेरी तो यही मांग है कि नगर पंचायत का पानी चाहे वो बनेई में है, चाहे वो डन में है, चाहे वो ज्वाली में है, वो नगर पंचायत एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।